हेलो टू ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक लेटेस्ट राजस्थान वैकेंसी, जो कि काफ़ी यूजफुल वैकेंसी है उन कैंडिडेट के लिए गाइस, जिन्होंने RECIT और RECIT के अलावा किसी भी प्रकार का आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स हो तो उनके लिए गाइस ये वैकेंसी खास है। तो इस वैकेंसी के बारे में आप चलिए गाइस फटाफट से इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के अंदर हम बात करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, अभी हमारे इंटरफेस पर यहाँ पर लिखा हुआ रहा है राजस्थान ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रिक्वायरमेंट 2022, यानी कि गाइस राजस्थान ब्लॉक संसाधन भर्ती के अंतर्गत 1886 पदों के ऊपर गाइस ऑल राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों वाइज अलग अलग वैकेंसी जारी कर दी गई है, जिनकी टोटल जो संख्या गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर रखी हुई 1866 पोस्ट है। गाइज इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रखी गई है वो गाइज इसी महीने की 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग है हम कम्प्लीटली डिटेल्स के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले गाइज बात करते हैं राजस्थान ब्लॉक पर्सन रिक्वायरमेंट के बारे में, आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो गाइज बात कर लेते हैं, सबसे पहले राजस्थान ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आपको जो गवर्नमेंट द्वारा इसके अंतर्गत हायर किया जाएगा गाइज, आपको पर डे के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा 500 रुपये आपको पर डे मिलेंगे, ठीक है, इस वैकेंसी के अंदर। यानी कि मंथली जो आपका पेमेंट होगा गाइज वो 14,000 से लेके 15,000 के बीच में होगा, ठीक है। यानी 14,000 तो कम से कम होगा ही होगा, लेकिन किसी महीने में जैसे 30 या 31 दिन हो गए तो उसके आपके 15,000 तक भी इसके अंदर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एज कितनी रखी गई, तो 21 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के लोगों के लिए गाइज इसके अंदर एज रखी गई है। अब बात कर लेते गाइज एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र समान अभ्यर्थी से 100 रुपये का आपको परीक्षा शुल्क चार्ज देना होगा, ठीक है। आपको परीक्षा शुल्क का जो मतलब इनके जो खाता नंबर दे रखा है आपको इसी खाते के अंदर बैंक में जाके इनके खाते में 100 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, ठीक है। और जो खाता जमा कराने की जो पर्ची यानी जो शुल्क आपसे वहाँ ली जाएगी उसको आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ इनको ईमेल के साथ अटैच करना है, उसके बारे में मैं आपको भी आगे बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट कर लेना, वैसे मैंने इसकी पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनका परीक्षा शुल्क है 100 रुपये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका IFSC कोड है SBIN 003103, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा होगा वो इसकी फोटो प्रति यानी इसकी फोटो कॉपी आवेदन फॉर्म के साथ ईमेल पर भेजनी है, ठीक है। एज का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया गया 21 वर्ष और अधिक से अधिक 64 वर्ष। अब सबसे इम्पोर्टेंट गाइज जो बात है उसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, ठीक है। कोई भी पुरुष हो महिला हो सबके लिए इसमें समान एजुकेशन रखी गई, ठीक है। एजुकेशन की अगर बात कर ली जाए गाइज तो आपके पास सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के ऊपर आपके पास कितनी भी डिग्री या कोई डिप्लोमा है तो वो सब चलेगा, लेकिन कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेजुएशन के साथ में गाइज आपके पास RECIT कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा और RECIT नहीं कर रखा तो आप इस एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है। या फिर आपने RECIT कर रखा है और ग्रेजुएशन नहीं कर रखा तो फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास चाहे कोई भी डिग्री डिप्लोमा वो सब कुछ चलेगा, लेकिन वो डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर रिलेटेड ही होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगा गाइज, इसके अंदर साफ साफ दे रखा गाइज आपके जितने भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट है, जैसे 31 अक्टूबर तक सबके डॉक्यूमेंट्स वहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है। इन्होंने जितनी वैकेंसी निकाली अगर उससे ज़्यादा मात्रा में इनके पास अगर डॉक्यूमेंट पहुँच गए, मतलब एप्लीकेशन पहुँच गए कैंडिडेट की, तो आपका एग्जाम जनरेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम का मतलब ये आपका एग्जाम लेंगे और एग्जाम पेपर के अंदर आपको 60% मार्क्स लेना कंपलसरी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों स्थिति बन रही है, अगर सेम पोस्ट से कम वैकेंसी, अगर जितनी पोस्ट है उससे कम एप्लीकेशन गई तो ये डायरेक्ट आपका मेरिट बेस से सिलेक्शन करेंगे, अगर उससे ज़्यादा गई तो आपका एग्जाम होगा और आप एग्जाम के अंदर आपको 60% मार्क्स लेने, और जो कैंडिडेट पास होंगे वो उनके 1.5 गुना कैंडिडेट इनको वापस बुलाए जाएंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए, और उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। और फिर सबके परसेंटेज और डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो जो ये वैकेंसी के अंदर आपको 99% तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। फिर भी आप अपने हिसाब से इसकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अगर इसका पेपर भी होगा गाइज तो बहुत सिंपल पेपर होगा, बहुत बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। आप देख सकते हो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट या निर्देश जो मैं आपको बता देता हूँ गाइज, ठीक है, कि आपको क्या करना है, फॉर्म कैसे सबमिट करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले एज रिलेक्स की बात की जाए तो गाइज 21 से 64 वर्ष रखी गई, ठीक है। इसके बाद में आपको इसका फॉर्म अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एक अस्थाई
गवर्नमेंट जॉब है, मतलब कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन आपको जो पेमेंट मिलेगा वो सरकार द्वारा मिलेगा, ठीक है। आप पर यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवाएं ली जा रही है पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर है, मासिक संविदा आधारित सेवा के आधार पर चयनित व्यक्ति को 1 साल तक के लिए आपको इसके अंदर फिक्स किया जाएगा। लेकिन गाइस ये वैकेंसी ऐसी है, 1 साल के लिए बोल रखा है, लेकिन ये आगे बढ़ा देते, कई बार 2 साल 3 साल तक भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काफी अच्छी वैकेंसी है गाइस ये। मैं ऑलरेडी इस वैकेंसी के अंदर गाइस अपनी सेवा दे चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। अब आपको मैं इसका थोड़ा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखिए साफ साफ है, जो कुछ भी हमने अभी पूरे फॉर्म के अंदर इस वैकेंसी से रिलेटेड बात की वो सारी वैकेंसी गाइस इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। आप देख सकते हो सब कुछ दे रखा है। और गाइस जो ये वैकेंसी है वो है नरेगा डिपार्टमेंट के तहत, ठीक है। तो आपको नरेगा डिपार्टमेंट के तहत इसके अंदर काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक संसाधन ने 54 पोस्ट है इसके अंदर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑल राजस्थान के जितने भी स्टेट है उनकी सबकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी, ठीक है। ये फॉर्म है गाइज, ठीक है, ये फॉर्म दिख रहा है। इस फॉर्म को आपको एक अच्छे क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट कराना होगा, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी, सारी डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर जिला, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आयु, ठीक है, पिता या पति का नाम, आपकी माता का नाम, वैवाहिक स्थिति शो करनी होगी, वार्षिक पारिवारिक आय, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल, स्थायी पता, आपके गांव का नाम, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है, पंचायत समिति का नाम, जिला, आपका आधार नंबर और पत्र, और आपका घर का मतलब यहाँ पर एड्रेस लिखना, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे जैसे सेक्शन की योग्यता में आपको मतलब आप सारी डिटेल्स डाल सकते हो, या तो 10 से लेकर 12 तक की कुछ भी, या इसके अलावा आप अपने 12th या आपकी ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या कुछ और कर रखा तो वो डाल सकते हैं। अब इसके बाद में गाइस नीचे आ जाए, यहाँ पर दे रखा है तकनीकी योग्यता, ठीक है। तकनीकी योग्यता में कि ये कंपलसरी, अगर आपके पास सिर्फ RSAT है तो आप इसकी डिटेल्स यहाँ पर फीड कर सकते हो, ठीक है, RSAT की डिटेल्स। अगर RSAT के अलावा भी आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आपको सिंपली यहाँ पर उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे शारीरिक रूप में यहाँ पर हाँ या नहीं करना, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं बॉडी में, ठीक है। ये जब करना गाइज, अगर आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र, यानी आप ऑलरेडी इस वैकेंसी में या इससे पहले किसी पंचायत में और वैकेंसी में अगर जॉब कर चुके तो ये आपको ये नीचे वाला भरना, अन्यथा ये अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में कोई नहीं कर रखा जॉब तो ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर आपको टिक और करना है कि आपके पास कभी कोई सजा हुई, यस या नो, ठीक है। आपको ये पूरा फॉर्म भर के इसको अच्छे से स्कैन करके इसकी PDF बना के और इसके साथ ही बैंक में जो आपने 100 रुपये जमा कराए इनके खाता में उसकी रसीद की भी PDF बना के इन दोनों को आपको इस एड्रेस के ऊपर ईमेल करना, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस मैंने नीचे दे रखा, आप कॉपी कर लीजिए। ये ईमेल एड्रेस मतलब हर जिले का अलग अलग आएगा, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अजमेर जिले का बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है socialauditajmer@gmail.com, ठीक है। ऐसा ही ईमेल आपका हर जिले का अलग अलग होगा, आपको ये सिर्फ ईमेल ही करना है। देखो गाइस काफी अच्छी वैकेंसी, सिर्फ घर बैठे आपको ये ईमेल करना है, ना कोई ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। फिर भी गाइस इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वायरी करना हो या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट करना हो तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं गाइस ऑल इंडिया जॉब्स के अंदर किसी नए गवर्नमेंट जॉब टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत, एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब चैनल फॉर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स।